मुखिया मुखिया तो मुचोर बाटे उ का कही। अच्छा अच्छा ना अभी हम मौजूद है गोपालगंज के माझा प्रखंड के बैकुंठपुर गांव में। यहां पे एक हम आपको अजूबा नहर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जो कि थोड़ा सा ही पानी में टूट गया, और यहां हम चाहेंगे कि एक बार इधर दृश्य दिखा दे जो कि बाढ़ जैसा इधर का दृश्य हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि इस नहर पे लगभग पानी इतना, मतलब कि ठेहुना भर पानी ऊपर से बह रहा था, और यहाँ के जो भी स्थानीय लोग हैं उन्होंने ऑफ कैमरा बताया। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि ये टूटा तो ये टूटा कैसे। लेकिन अभी यहाँ पे जो भी यहाँ के गोपालगंज के माझा प्रखंड के जो भी पदाधिकारी यहाँ पे आए थे, और यहाँ पे क्या सजेशन हुआ हम ग्रामीणों से जानते हैं, और जान के आपको बताएंगे कि यहाँ पे अभी तक कौन कौन से पदाधिकारी है और क्या क्या उन्होंने कहा। काफ़ी सारी बात है जो हम आपके आप सभी के साथ रूबरू कराएंगे। क्या नाम है बाबा? गुल्ली। अच्छा, ये बांध कब टूटा? बांध कब? सवेरे 7 बजे। 7 बजे के पदाधिकारी जी आई रहा? अब वो तो हम ना देखनी है भाई। सीओ साहब आए हुए थे। सीओ साहब, अच्छा ये बताइए जो बांध टूट गया इससे आपको क्या क्या परेशानियां हो रही है? हम लोग का पूरा खेती ग्रस्त हो गया है, समाप्त हो गया है, सब डूब गया है, देख नहीं रहे हैं आप। हम लोग का बहुत। सीओ साहब आए थे तो क्या बोले? बोले हैं बांध बनवा देंगे। जैसे भी आया था वापस चला गया, उससे नहीं होगा क्योंकि हम लोग को ढुकाए भी थे पानी चेक करने के लिए, तो वहाँ पे पूरा इतना ना गहरा है कि हम लोग का थाए पता नहीं चल रहा है। विफल हो गए लोग? हाँ विफल हो गए। और भी कोई पदाधिकारी आए थे? और तो नहीं देखे हैं। सीओ साहब आए हुए थे, हम लोग ये बांस लेकर ढुके हुए थे अंदर, लेकिन थाए पता नहीं चल रहा है, वहाँ बांस कैसे गाड़ेंगे हम लोग। अच्छा, कब टूटा? सुबह में टूटा हुआ था। कितने बजे लगभग? 6-7 बजे के बीच में टूटा था। 7 बजे जैसे बता रहे थे लोग आप लोग की पानी का अति दृश्य था, ऊपर ऊपर से बह रहा था, बांध के ऊपर से बह रहा था, देख नहीं रहे हैं, पूरा ऊपर से बह रहा था पानी, इतना छोड़ दिया गया था। उधर पूरा माटी भरा हुआ है, इधर पातर नाला टाइप का हो गया है, साफ सफाई हुआ होता तो अभी तक ये बांध नहीं टूटा होता। क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? ये नहर को सफाई कर दिया जाए और बढ़िया से बांध बनवा दिया जाए, क्योंकि हम लोग का अभी बहुत लॉस हो गया, फसल बर्बाद हो गया। यह नुकसान कौन भरेगा हम लोग का, बताइए आप। हम लोग किसान आदमी है, खेती गृहस्थी करते हैं, पूरा ये देखिए पूरा डूब गया है हम लोग का धान। यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी आए थे, मुखिया जो भी हैं? अब तो हम नहीं इतना देखे हैं। क्या बाबा क्या कहते हैं मुखिया? मुखिया तो मुचोर बाटे उ का कही। ना जैसा कि देख सकते नहीं, यहाँ पे बाबा बोल रहे हैं कि मुखिया के बारे में काफ़ी अभद्र शब्द बोल रहे हैं, जो कि यहाँ पे सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि जो बिहार में जो कार्य हो रहा है, कहीं का कार्य 2 मन से ज़्यादा नहीं टिक रहा है। लगभग इस बांध की दृश्य देख सकते हैं, हल्का पानी में ये बांध टूट गया। बांध नहीं है, गंडक नहर है, और दृश्य साफ तौर पर देख सकते हैं कि जैसे जितने लोगों का फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, और इसका भरपाई कौन भरेगा? सरकार से सीधे सवाल हो रही है, और सरकार को ये भी मैं चैलेंज भी कर रहा हूँ कि जो भी सरकारी की जो लोगों का फसल है इसकी भरपाई कौन करेगा? यहाँ के मुखिया करेंगे, यहाँ के विधायक करेंगे, कि यहाँ के जो जिला परिषद वो करेंगे? लेकिन अभी यहाँ तक सिर्फ सीओ साहब आए हैं देखने के लिए, और आए 2 JCB लेकर आए और भर नहीं पाए, विफल होकर वापस चले गए। ऐसा तो कार्य होता है बिहार का। लेकिन सबसे अभी जो दृश्य हम चाहेंगे एक बार कैमरामैन के थोड़ा नज़दीक आकर दिखाए इस दृश्य को, लगातार ये धंसता जा रहा है, और धंसने के कारण पूरी पानी लोगों के खेते में जा रही है, और पूरा जो लोगों का फसल है वो बर्बाद हो रहा है। अभी इसकी कोई संभावना नहीं है कि ये बांध बनेगा कि नहीं बनेगा। आप इस वीडियो से क्या सोचते हैं अभी हमें अवश्य बताइएगा। लेकिन जो देख सकते हैं अभी भी पानी का जो गड़गड़ाहट है काफ़ी तेज़ है, और पानी लगातार इधर प्रवास कर रहा है, और हमारे साथ कुछ लोग थे जो कि उन्होंने अपनी अपनी परेशानियां बताई। और आप हमारे साथ बने रहिए, हम पल पल की खबर आप सभी के साथ रूबरू करते रहेंगे। आप देख रहे थे जस्ट बिहार।